तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है बीए हिंदी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचंद्र जी से रिलेटेड, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो आई होप आपको एग्ज़ाम में जो सारे मैं क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी मुझे लगा कि हाँ पिछले कई सालों में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रामचंद्र जी से रिलेटेड, तो मैंने वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक मैंने वेबसाइट क्रिएट की है जिस आप ही लोगों के लिए, इस पर आप लोगों के यही सारे क्वेश्चन की पीडीएफ और क्वेश्चन और आंसर दोनों वेबसाइट पे मिलने वाली है, जिसका नाम है वेबसाइट का नाम sandeepinfo.com। ठीक है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वेबसाइट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप विजिट ज़रूर करिएगा वेबसाइट पर एक बार, और ये फेसबुक पेज है, अगर आप में फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, तो अभी तक उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पर भी मिलने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन पर आज के इस वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको भी आइडिया लगे। तो नंबर एक है भीमानंद शुक्ल, बी नंबर चंद्रबली शुक्ल, सी नंबर है राजबली शुक्ल, डी नंबर है देवदास। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र के पिताजी का नाम था, ठीक है, बी नंबर चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था। नंबर एक बाराबंकी, बी नंबर फैजाबाद, सी नंबर बस्ती और डी नंबर है गोंडा। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बस्ती ज़िले में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बस्ती ज़िले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जन्म मृत्यु और आप लोगों के लिए इनके लेखक और इनकी मुख्य कृति क्या थी, ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, नंबर एक है 1987, बी नंबर 1979 और सी नंबर है 1901 और डी नंबर है 1884। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1884 में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आप लोगों के ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ऐसा समझा दूँगा कि आप लोग को समझ में भी आ जाए, आपका टाइम भी लॉस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की माता किस घराने की कन्या थी। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी की माता जी थी वो किस घराने की थी, नंबर एक सूरत, बी नंबर गुजरात, सी नंबर गाना, डी नंबर काशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, गाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुक्ल जी का विवाह किस उम्र में हुआ था या किस आयु में हुआ था। तो जो शुक्ल जी थे यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए शुक्ल जी, ठीक है, या आचार्य शुक्ल जी, तो आप समझ जाइए कि रामचंद्र शुक्ल जी की ही बात हो रही है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को आचार्य नहीं दिखेगा, कभी दिखेगा शुक्ल जी, कभी दिखेगा रामचंद्र, तो आप समझ जाइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही बात हो रही है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो शुक्ल जी का जो यानी कि विवाह हुआ था उसकी उस समय उनकी उम्र थी सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लेखन की शुरुआत कब की थी, नंबर 1908, बी नंबर 1904, सी नंबर 1900 और डी नंबर है 1901। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 1904 ईस्वी में उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लेखन की शुरुआत की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की कितने भागों में बांटा है। नंबर एक है 5, बी नंबर है 10 और सी नंबर है 4 और डी नंबर है 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम काव्यों में प्रायः किसे प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। नंबर एक अर्थलोभ को, बी नंबर ज्ञान लोभ को, सी नंबर रूप लोभ को और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर ज्ञान लोभ को, ठीक है, प्रेम काव्यों में प्रायः ज्ञान लोभ को प्रवर्तक दिखाया जाता है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादक जीवन, ठीक है, संपादक जीवन की शुरुआत किस पत्रिका से की थी। नंबर एक है आनंद, कदम्बिनी, बी नंबर है ब्राह्मण, सी नंबर है हंस और डी नंबर है प्रतीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, आनंद कदम्बिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी की आयु में, रामचंद्र शुक्ल जी की किस आयु में हिंदी शब्द सागर की रचना में सहायक होकर काशी आ गए। नंबर एक 35, बी नंबर 36, सी नंबर 45, डी नंबर 25। तो उस समय इनकी उम्र थी, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है, राइट आंसर 25 हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी की माता के निधन के समय इनकी अवस्था कितनी थी, यानी कि जब रामचंद्र शुक्ल जी की माता जी एक्सपायर हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो वो किस उम्र के थे। नंबर एक 15, बी नंबर 9 और सी नंबर है 20 और डी नंबर है 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रसमीमांसा किसकी कृति है या किसकी रचना है। नंबर एक राम कुमार वर्मा, बी नंबर जयदेव, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रसमीमांसा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। नंबर एक विचार भी थी, सी नंबर है श्रद्धा भक्ति, सी नंबर है चंतामणि और डी नंबर है जायसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पाठ्यक्रम में शुक्ल जी का कौन सा निबंध संकलित है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में जो रामचंद्र शुक्ल जी का लेसन है, यानी कि जो भी इनका पाठ है, ठीक है, वो उसका क्या नाम है, यानी कि जो भी निबंध है इनका, क्योंकि बहुत सारे लेखक होते हैं, सबके अलग अलग लेसन होते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग उनके कृतियाँ होती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में कौन सा निबंध संकलित है। नंबर एक है क्रोध, बी नंबर है बी नंबर है लोभ और प्रीति, सी नंबर है प्रतिष्ठा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, लोभ और प्रीति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ग्रंथावली किसकी कृति है। नंबर एक जैनेन्द्र, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर जसपाल, डी नंबर घनानंद। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब कन्फ्यूज क्यों होंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि जायसी भी एक लेखक है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो जायसी ग्रंथावली की बात हो रही ना कि जायसी की बात हो रही, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी यहाँ पर कहीं जायसी लिखा होता घनानंद की जगह, तो बहुत सारे स्टूडेंट 100% था वो जायसी पे ही टिक कर देते, ठीक है, कि जायसी ग्रंथावली वो जायसी की कृति है। लेकिन ऐसा नहीं है, बात समझिए, जायसी जो ग्रंथावली है, यानी कि जो जायसी जी हैं, ठीक है, उनकी जो ग्रंथावली बनाए हैं, ठीक है, उनके नाम से वो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, उनके नाम पर उन्होंने ग्रंथावली की रचना की है, किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, लेकिन ये जायसी की कृति नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्थित भेद में प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा कितने प्रकार की होती है। नंबर एक 8, बी नंबर 2 और सी नंबर 4 और डी नंबर है 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस गद्य की कसौटी मानते हैं। नंबर एक कविता, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर नाटक, डी नंबर निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे गद्य की कसौटी मानते हैं। तो यहाँ मैंने गद्य थोड़ा टाइप करने मिस हो गया, ये वाला गद्य होगा, ठीक है। तो जो गद्य मानते हैं उसका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, निबंध को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, यानी कि जो कविता क्या है, एक निबंध है, ठीक है, कविता क्या है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही कविता के नाम है या निबंध के ऐसे नाम है, एकांकी के ऐसे नाम है कि स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं,
ठीक है। तो कविता क्या है? एक प्रकार का निबंध है, ठीक है, उसका नाम है। तो निबंध के लेखक कौन है? नंबर एक बालकृष्ण भट्ट, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर हजारी प्रसाद, डी नंबर भूषण। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोभ के विषय कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक है 5, बी नंबर है 2, ओ सी नंबर है 8, डी नंबर है 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 2। लोभ के विषय कितने प्रकार के हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है। तो नंबर एक है भारतेंदु, बी नंबर अज्ञेय, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर है एस पाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, श्री रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसी ग्रंथावली किसकी कृति है? अभी जैसा कि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था जायसी ग्रंथावली, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब जैसे कि यहाँ पर अभी तुलसीदास लिखा होता, ठीक है, तो तुलसीदास बहुत सारे स्टूडेंट कह देते कि तुलसीदास जी की ही कृति है तुलसी ग्रंथावली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कृति है आप लोगों को जैसा मैंने बता दिया, नंबर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी की तुलसी ग्रंथावली इनकी कृति है, जो रामचंद्र शुक्ल जी की उसका ही नाम है तुलसीदास ग्रंथावली। तुलसीदास के नाम पर ही उन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है तुलसी ग्रंथावली, ठीक है, उसी का नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी ग्रंथावली रखा है तुलसी जी के नाम पर, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा, तुलसी ग्रंथावली की बात आएगी तो आप रामचंद्र शुक्ल ही सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुक्ल जी को किस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्यात प्राप्त हुई? नंबर एक है आलोचना, बी नंबर है उपन्यास, सी नंबर है कविता, डी नंबर है व्यंग। तो जो शुक्ल जी थे यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनको किस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्यात प्राप्त हुई, यानी किस क्षेत्र में उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट मिली? तो नंबर एक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आलोचना, उपन्यास, कविता और व्यंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलोचना। आलोचना में उन्हें बहुत अच्छी ख्यात या आप कह सकते हैं अचीवमेंट प्राप्त हुई, राइट आंसर ए हो जाएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी 3 वर्ष कहाँ के मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर रहे? नंबर एक अमेरिका, बी नंबर इंग्लैंड, सी नंबर लंदन, डी नंबर इंडिया। तो शुक्ल जी ने 3 वर्ष ड्राइविंग टीचर रहे हैं, उस कंट्री का नाम है लंदन, ठीक है। लंदन में उन्होंने 3 वर्ष मिशन कोई स्कूल था, ठीक है, उसमें ड्राइविंग टीचर रहे हैं लंदन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्राप्त या संदिग्ध के इच्छा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। प्राप्त या संदिग्ध के इच्छा कितने प्रकार की होती है? नंबर एक 2, बी नंबर है 5, सी नंबर है 4 और डी नंबर है 7। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, जिन स्टूडेंट को मालूम बेसक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभियों का दमन योग्य के दमन से किसी प्रकार कम नहीं है, ये कथन किसका है? लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं है, ये कथन किसका है? नंबर एक है अमृत राय, बी नंबर है कुबेर नाथ, सी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर महावीर प्रसाद। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के किस भाग पर शुक्ल जी को मंगला प्रसाद पारितोषक मिला था? तो नंबर एक है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 1। जो चिंतामणि के किस भाग पर शुक्ल जी को मंगला प्रसाद पारितोषक मिला था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाग 1 पे मंगला प्रसाद पारितोषक मिला था, ठीक है, किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी का उद्गम के लेखक कौन है? नंबर एक रामस्वरूप, बी नंबर गंगकवि, सी नंबर घनानंद, डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के किस गांव में हुआ था? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो उसका राइट आंसर हुआ था बस्ती।
अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस्ती जिले के किस गांव में हुआ था। नंबर एक महाराजपुर, बी नंबर अगोना, सी नंबर है गौसपुर, डी नंबर है रामपुर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगोना, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नरेश ने तुलसी के अध्ययन में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया था, यानी किस नरेश ने तुलसीदास के अध्ययन में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया था। नंबर एक इन्हें बुलाया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन थोड़ा आप समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन। किस नरेश ने तुलसीदास के अध्ययन में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया था, यानी किस जगह बुलाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है, किस नरेश ने नहीं, थोड़ा टाइप करने मिस हो गया है। ठीक है, अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था पहले देख लेते हैं, कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं, किसका कथन है। नंबर एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर है यशपाल, और सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, और डी नंबर है भारतेंदु का। तो जो मनुष्य दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं, ये कथन कहा है श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, मुझे लगा इतने सारे इंपॉर्टेंट नाम को क्वेश्चन बताने बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट को कुछ भी क्वेश्चन बेशक पूछिएगा, और ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है और भी क्वेश्चन है इसमें, फिलहाल मैंने इतने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं क्योंकि अगर मैं और भी क्वेश्चन इंक्लूड करता तो वीडियो लंबी हो सकती थी, इसलिए आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, इसलिए मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा और आप लोगों को बताया। वेबसाइट पर मैं जब डालूंगा सारे क्वेश्चन तो इसमें कोशिश करूंगा कि और भी क्वेश्चन ऐड कर दूं। ठीक है, तो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, कोशिश करता हूँ मैं PDF भी डाल दूँ, लेकिन क्या होता ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस यही सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ क्लासेस चलती हैं और डेली मेरी क्लासेस चलती हैं। अगर अभी तक और भी वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।